बुद्धिज्म। तुम क्या गई? घर का सुकून चैन सब चला गया। यही अलीजे तुम्हारे सामने कैसी हंसमुख ताबेदार सी थी, और अब किसी को भी घर का एहसास ही नहीं। वकार, तुम ठीक हो ना भाई? हाँ बेटी। देखो, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो तुम खामखा? ये ऊंच नीच तो होती रहती है घरों में, कोई नई बात तो नहीं है। मगर आपा, बाहर के लोग आकर हमें बताएंगे कि हमने क्या करना। उनकी बेटी पहले भी काम नहीं करती थी, तो अब क्या उसे करना। वैसे बात इतनी बड़ी थी नहीं जिसको फौजिया ने इतना बढ़ा दिया, और मेरा तो ये ख्याल है कि अलीजे ने उसको जानबूझ के बुलाया तुम लोगों के जाने के बाद, वरना वो आते इतना चीखना चिल्लाना क्यों शुरू कर देती? आपने मेहरीन का रवैया नहीं देखा? मैं फरा की माँ को उसके जवाब से अपनी बेटी को मजलूम साबित करने का मौका मिल गया होगा। हाँ सही कह रहे हो तुम बिल्कुल। अगर मुझे जाना ना होता ना, तो मैं असद जुहेब को साथ बिठा के उनकी बीवियों को बिल्कुल दिमाग दुरुस्त कर देती। अब कहाँ जा रही है? अरे वो है ना महमूद भाई, रोहेल के ताया बू, उनको हार्ट अटैक हो गया, अभी फोन आया था। रोहेल ने टिकट करा दिया था मेरा फौरन ही, तो बस निकलती हूँ, 8-10 दिन में आ जाऊंगी। रोहेल भी साथ जा रहा है? नहीं, उसको कुछ काम है, अभी नहीं जा रहा, 2-3 दिन में आ जाएगा मेरे पास। वैसे तुम परेशान मत होना, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। माशाल्लाह तुम्हें बीवी इतनी समझदार है, वो सब संभाल लेगी। चले, मैं आपको बाहर तक छोड़ कर। नहीं, तुम आराम करो। नहीं 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 छोड़ने की नहीं, आप आए, वो